मेजर कहते भी होगा तो हमारे सास ससुर हमारे शोहर इच्छे उसके मेजर कहते भी होगा तो हमारे सास ससुर हमारे शोहर इच्छे उसके जिम्मेदार धोखा देते हैं ना, ये करते हैं ना, और मारते हैं ना, और दूसरे छोटे मिलने जाते हैं ना, जाको मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, घर को मैं जो ब्लॉक कराना बाहर जाते हैं ना, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं मेरा फोन, और 10 बजे ऐसा गए थे, 3 बजे 2 बजे आना करते थे। हाँ सास ससुर हमको बोल रहे हैं मर्द बना जाता सोच करता सोच उन्हें छोड़ो जा रहा कि तुम्हारे पास इस सोले को बाजू बेटले खजाना क्या, उन्हें कहा ना जान दे छोड़ो तुम्हें कौन पूछने वाले है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आपकी शोहर से दूर है? शादी हुई 25 दिन तक मेरे शोहर अच्छे थे, उसके बाद पूरा जेवर मेरे से ले लिए, ले को पूरा बेच डाले, बेच को एकर को पूरा, फिर ये करना हमारा मियाँ बा को पूछे ये करे तो जेवर कहाँ है ये करते नहीं देते ये करते बोल को ये करे, फिर 3 महीने में दिलाती ये करती है वो बोले ये करे, फिर भी मैं छोड़ा दी मरद से बढ़ के क्या भी नहीं माल ली बोल को, मैं पूरा माल भी मेरा जेवर खरीद दिया ली, पोंग की पट्टी भी दिया ली, चांदी की सभी पूरा कपड़े सभी पूरा जेवर दिया ली, मेरा मरद मेरे साथ है तो खुश होना वो सबसे बड़ी दौलत बोल को मैं पूरा जेवर मेरा दिला ली। उसके बाद फिर हमारे सास ससुर में बोलना ये करना करे तो उन्हें भी बेटे की सपोर्ट ले को ये कर को उनकी सपोर्ट इसलिए को मुझे मारा वो छाओ दिला दलता ही करलता, फिर लड़कियाँ के शौक में पड़ गए थे हमें हाँ ऐसा जाता सोच करता सोच इन्हें मरद बनना जाता सोच करता सोच बोल को हमारे साथ सपोर्ट करते थे उनको। तो ये बात घर वालों के जहन में नहीं आती? नहीं, उनके अम्मी अबा बोलने में उन्होंने क्या भी रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे। ये तुम्हारे घर वाले उनके जहन में आते नहीं नहीं लेते, मैं पूरा डिलीवरी हुए के बाद ये हुए के बाद इन्हों टॉर्चर करते थे, मारना ये करना गालियाँ देना गलीज गलीज गालियाँ देना सब ये करते ना, तब मैं बोली और लड़कियों के पीछे पड़ गए थे तब बोली मैं हमारे घर वाले उनको। डेढ़ साल में बच्चे होकर इंतकाल हो गए, नोच मारना ये करना पलंग को से ढकलना ये करना मारना और खाना खाने नहीं डालना था, और हमारे सास ससुर कोसते थे पैदा होते के मन दूसरे दिन बच्चा मर जाना ये करना, आप हमारे ससुर बदवा करते थे सब आप आई छो ना बेटा आप आई छो जाना, और दूसरे दिन पैदा होते के मन मर जाना ये करना बिल्कुल बदवा देते थे ये करते थे, खाना नहीं डालते थे, ढकल को फुल टॉर्चर देते थे, सीढ़ियाँ रोज झड़ाते थे सीढ़ियाँ झाड़ को रोज पोछो ये करो वो करको। हस्बैंड क्या भी बोलते नहीं थे उन्होंने, हाँ अब कर ले कहीं कहीं को तुम ना करना सोच काम तुम्हें घर को बोलते थे। तो बच्चे को क्या बोला सर? बच्चे को 7 महीने में डिलीवरी होगी मानना ये करना करे ना, तो NUC में एडमिट करे थे 7 महीने में फ्री में चलो डिलीवरी होगी 7 महीने में होगी ना, NUC में रखे थे 2 महीने हॉस्पिटल में थी, दो आम भी आकर मारना ये करना पैसे बच्चे को मंजे, और KMC हॉस्पिटल में KMC दियो को तो KMC नहीं देते थे 24 आवर्स KMC दिए तो बच्चा अच्छा हो जाता आकर को बोलते थे डॉक्टर्स, मैच देती थी और आते भी नहीं थे, और उनके अम्मी अब्बा को झूठ बोल को हाँ KMC देने आँखों हॉस्पिटल को बोल को दूसरे लड़कियों के पास जाना ये करना बैंडांग को लब्बांग को जाना ये करना करते थे। काम करते थे मेडिकल BK मेडिकल है उनके उनके अब्बा में आस्किन टोन में BK मेडिकल नीलसेंदर में उनके अब्बा दो ने भी साथ में। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो चुनो लड़कियों के पीछे पड़ जाओ को निकाह फॉर और शादी .com में जोरू मरगी बच्चा मरगा बोल को दाल को ही 5 लाख रुपए चुरा ले भागी माल चुरा ले भागी दूसरे एक लड़के को रख ले थी लड़कियों को बुला ले फिरते थे ये करते थे, मेरे पास पूरा प्रूफ है उनके खिलाफ, गाड़िया में फिरा बुला ले को फिरते थे ये करते थे शादी .com में दाल को ही सो कितने छोकरियों बात कर को ही वो भी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग भी ही लड़कियों के नंबराम भी ही फोटोआम भी ही उन्होंने खुद आती घर को भी बोल को ही यानी कि आपको लगातार धोखा देते रहे। हाँ धोखा देते है ना ये करते है ना और मारते रहना और दूसरे छोकरियों को मिलने जाते है ना उन्होंने जाको मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ घर को मुझे ब्लॉक कराना बाहर जाते मन ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे मेरा फ़ोन, और 10 बजे ऐसा गए तो 3 बजे 2 बजे आना
करते थे रात को। इसके बारे में किसी भी बोले नहीं? हमारे सास ससुर हमको बोलने में, हो मर्द बना जाता सोच करता सोच, उन्हें छोड़ो जरा कि तुम्हारे पास इस सोले को बाजू बैठले खजाना क्या, उन्हें कहाँ होना जान दे छोड़ो, तुम्हें कौन पूछने वाले है, करके बोले हमारे सास। बालकनी में से कूद को जाते थे ना 3 बजे सभी, उससे कंप्लेंट दिया हमें पुलिस स्टेशन में जाको, कंप्लेंट देने में करने में नहीं करता मैं ऐसा सभी नहीं करता ये करता बोल को लिखा पढ़ी करको साइन ना ले लिया हमारे दो जने के भी। उसके बाद वो दिन फिर रात को गए उन्होंने जाको ये करने के बाद, फिर सुबह को उनके अब्बा को बोली तो मुझे मारे बेल्ट से मारे, फिर हाथ से होटो को सभी खून आ रहा, वो भी है मेरे पास फोटोज ही, वो भी मार को उनके हमारे शोहर। इससे पहले कंप्लेंट हो कहीं के उनके? हाँ हो कहीं मैसूर में एक लड़की की चैन ले लेकर है ना, तब कंप्लेंट हो कहे। शादी से पहले की शादी के बाद? शादी के बाद में हॉस्पिटल में थी ना 2 महीने, तब मैसूर को जाको झूठ बोल को उनके अब्बा को हॉस्पिटल में हूँ बोल को मैसूर को जाको चैन मंगले का को हमारे अब्बा को हार्ट अटैक आगा ये आगा बोल को चैन लड़के हमारे शोहर के अब्बा को हमारे ससुरियाँ को बोल को हार्ट अटैक आगा बोल को ले लेकर आगे उन्होंने चैन, उन्होंने वहाँ से फोन ना करे ये करे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करे हमारे शोहर, वो लड़की फोन करे तब उन्होंने सच मैसूर सच कंप्लेंट देखो ये करको यहाँ भेजे उन्होंने साथ में आको ये करको भेज को चैन फोन करे, फोन भी रिस्पॉन्स नहीं करे, और एक उनके जोड़ में थे भैया उनको फोन करने में उन्होंने आए फोन करने में उनको भी साथ में बुला को उनको भी उन्होंने हमारे शोहर के फ्रेंड उन्होंने फ्रेंड भी उनको अरफात को कॉल करे, कॉल करने में बुलाए उन्होंने बुला आए करे बस पकड़ ले को कहाँ चैन बेचे उन्होंने वहाँ जाको ये करको पैसे दिलाए ये करे सॉल्व होगा वो। बोलो मैं क्या चाहती हूँ अब तुम्हें आगे? उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करे ये करे, दूसरे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होना ये करना, मुझे हक़ का फैसला होना मेरे साथ, और इनके तरफ से मेरा बच्चा भी चलेगा ये करा ले, और बच्चे का इंस्टाग्राम में फेसबुक में डाल को बच्चा ऐसा होगा ये बोल का बोल को पैसे 50,000 तक रुपये ये करे उन्होंने। बच्चे के साथ क्या करे? बच्चे के साथ फोटो डाल को इंस्टाग्राम में फेसबुक में ऐसा पैसे की ज़रूरत है, बच्चा बहुत सीरियस है बोल को पैसे लिए सुनो सबके पास। तो बच्चा कैसे इंतकाल हुआ? वो उनके डिलीवरी हुए के बाद 2 महीने अच्छा करके भेजे हम हॉस्पिटल में, अच्छा करके भेजे के बाद रिचार्ज करके वो भी टॉर्चर देते थे रिचार्ज जल्दी करो ये करो डॉक्टर को हमारे बताएंगे स्पेशलिस्ट है बोल को अब्बा की तरफ से इलाज कर लेते। हाँ हमारे अब्बा की तरफ से इलाज कर लेते थे, 1 रुपये का खर्चा नहीं करे उन्होंने, एक चाय बिस्किट नहीं ले ला देते थे मुझे ये नहीं करते थे, आना मारना ये करना उल्टा पैसे हमारे अम्मी के पास ले ले जाना ये करना पूरा फ्री था वहाँ, और खून गिन ले करना वाइट ब्लड ले करना का तो पैसे होते थे, और ये पैसे मंगले जाना 2-3 हज़ार रुपये दियो ये दियो बोल को पूरे ऐसा 20-30 हज़ार रुपये हमें अम्मी के पास ले को ये कर लिए। उसके बाद हमारे भान जाना स्टार्ट करे तो तब नहीं क्या भी ये पैसे नहीं ना कर को बोल को ये करने में तब स्टॉप करा ले देना, तब से मुझे टॉर्चर देना स्टार्ट करा ले क्या ये वो बोल को ताई काट ये वो बोल को टॉर्चर देना स्टार्ट करा ले दे पैसे ये दे मारना ये करना फसलें सभी मारना ये करना, जच्चा थी ना तब दर्द होता था और मार को एक बार बेहोशिश करा ले थे मुझे एनएसए में थी ना तब मार को बेहोशिश करा ले डॉक्टर्स ले ले आपको मुझे बिटपो डाले मारना ये करना ये करते थे बस था, फिर ऐसा अब्बा बाबा को झूठ बोल को हॉस्पिटल में हूँ के एम सी दे रूँ ये करूँ बोल को छोकरियाँ को बात करना ये करना मैसेज करना उनके पीछे जाना ये करना मैसूर को भी जाको ये कर को गोवा को भी गए थे झूठ बोल को एन एस सी में यहाँ हॉस्पिटल में हूँ बोल को गोवा को भी छोकरोजा के साथ फिर ले को उनके दोस्तों के साथ फिर ले को ये कर ले को थे वानी विलास से बुला ले कर बच्चे को रिचार्ज करको वानी विलास से बुला ले कर घर को 5 दिन अच्छा था। उसके बाद हमारे अब्बा भी इलाज करे बच्चा अच्छा हो जाता ये हो जाता बोल को यहाँ हमारे घर को अब्बा अम्मी के घर को बुला ले कर उसके बाद हमें भी इलाज करे वो चुड़ी का होगा था बच्चे को वो होगा था इलाज करे हमें भी हमारा अब्बा बुला ले जाको इलाज कराए अच्छा होगा था बच्चा एक दिन में उतारा ये करे ना तब अच्छा होगा था। फिर हमारे 5 दिन यहाँ था फिर 6वें दिन को हमारे शोहर आको चलो डॉक्टर है अच्छा डॉक्टर है हमारे पास वहाँ जाएंगे बोल को ये करको मुझे फोर्स करके चलो जाएंगे बोल को सास भी ससुरे सभी बुला लिए आपको हमारे शोहरीज बुला ले गए बुला ले जाको वहाँ दिखाए डॉक्टर को डॉक्टर क्या बोला लिया बड़ी हॉस्पिटल को लिख को दिया ले हाँ लिख को दिए ये करे बसता वो क्या करे बड़ी हॉस्पिटल को बुला ले गए हमें बुला लग गए ना तब सुबह से शाम तक रख ले के कर ले को बच्चा ऐसा होगा बोल को इंतकाल होगा बोल को ये कर ले मेरे साथ इतना सब भी होगा ये होगा बच्चे को भी मार को दिया ले ये करा ले बुला ले जाको ये कर को बच्चे को भी मार को हाथ में ले ले आ दिया ले ऐसा होगा बोल को। उसके बाद मुझे हक का फैसला होना हमारे सास ससुर भी बराबर नहीं हमारे शोहर भी बराबर नहीं मुझे बहुत टॉर्चर तकलीफ देते थे ये करते थे मुझे हक का फैसला होना दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी नहीं तबाह होना बर्बाद होना मेरे साथ होगा ये होगा अब मुझे मेरा हक का फैसला होना मेरे साथ अब मेरे हमारे अम्मी अब्बा के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकती मैं।
हमारा अब्बा अम्मी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकती मजाक का फैसला होना, और मेजर कहते भी होगा तो हमारे सास ससुरे और हमारे शोहर ही उसके जिम्मेदार। अभी क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी बच्ची के शादी कर को दिए तब से ससुराल वाले हैं क्या, हमारे जो दामाद हैं खाली टेंशन परेशानी माल बेच डाले पूरा क्या है सो ये कर डाल को बच्ची को तकलीफ देना सास ससुरे से भी। अब ये कर ले कारी नो दो तीन टाइम ऐसा करे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये हमारे दामाद का जो बाहर जो छोकरियाँ हैं वो भाई को बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी हाल करना उनके साथ फिरना खाली ये है उसके वास्ते मेरी बच्ची की ज़िंदगी हाल करने के वास्ते कर्जा ले। वो बच्चा भी मेरे बच्ची का इंतकाल होगा और मुझे हक्का फैसला होना। अब ये मेरे बच्ची के हादसा जो हो रहा है ये हमारा दामाद है वो हमारा दामाद कर को बोलने भी मुझे शर्म आ रही है। जो मेरी बच्ची के साथ हुआ ये दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना, भाई को बच्चों के साथ इन्हें ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, ये हक्का फैसला होना। ये फैसला जो है हक के बराबर मुझे मिलना, आइंदा दो जो भी भाई को बच्चे हैं वो भाई को बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना ज़िंदगी में, किसी को भी फिर इन्हें नहीं करना, ऐसा मैं हक्का फैसला मानूँ।